हेलो फ्रेंड्स, एनडीसी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अर्चना कौशल। एनडीसी न्यूज हर बार आपके लिए लेकर आता है कुछ खास और स्पेशल स्टोरीज। तो आज देखना ये रहेगा कि आज एनडीसी न्यूज क्या स्पेशल लेकर आया है, आइए देखते हैं। कुछ बातें अक्सर सोचने पर मजबूर कर देती है, क्या ऐसा भी हो सकता है? आज की दुनिया में अभी कुछ खबरें ऐसी होती हैं जिन पर भरोसा करना नामुमकिन सा होता है, मगर जब सामने आती है तो होश तक उड़ जाते हैं। ऐसा ही कुछ आज हम आपको बताने जा रहे हैं, जिसे जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। राजस्थान के उदयपुर से हैरान करने वाला ये मामला सामने आया है, जहां उदयपुर के एमबी हॉस्पिटल में डॉक्टरों ने एक मरीज के पेट की सर्जरी की, जिसके पेट से 80 तरह की चीजें निकली हैं। इनमें चाबियां, नेल कटर, सिक्के, चिलम, लकड़ी की माला, अंगूठी, पिन, क्लिप शामिल हैं। सर्जरी करने वाले डॉक्टर डीके शर्मा ने बताया कि युवक नशे का आदि था, नशे में ही उसने ये सारी चीजें भी निगल ली थी। डॉक्टरों को ये समझ नहीं आ रहा है कि इतनी चीजें खाकर ये शख्स आखिर सामान्य कैसे था। मिली जानकारी के मुताबिक, बताते चले रिपोर्ट के मुताबिक, राजस्थान के उदयपुर का रहने वाला 24 साल का गजेंद्र एमबी अस्पताल में डॉक्टरों के पास पेट दर्द, उल्टी होने की शिकायत लेकर गया था। जब मामूली दवा से उसकी बीमारी ठीक नहीं हुई तो डॉक्टरों ने पहले उसके पेट का एक्सरे करवाया। एक्सरे देखकर डॉक्टरों को आमाशय और आंख में लोहे की कई चीजें दिखाई पड़ी। इसके बाद इस शख्स का सीटी स्कैन कराया गया। सीटी स्कैन की रिपोर्ट देख डॉक्टर भी हैरान हो गए कि उसके पेट में इतनी सारी चीजें कैसे हो सकती है। बाद में युवक का ऑपरेशन किया गया। 90 मिनट तक चली सर्जरी में डॉक्टरों ने चाबी, नेल कटर, चिलम समेत 80 से ज्यादा चीजें निकाली। ज्यादातर चीजें आमाशय और कुछ बड़ी आंत में मिली। इस वजह से रोगी को एक जगह अल्सर भी हुआ है।